हेलो ऑल ऑफ यू एंड लास्ट लेक्चर पे हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जो कि आपका क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड था, ठीक है। इसके बाद इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क पे, जिस पे आपको सेम वही एम फाइंड करना था और फर्स्ट का मास गिवन था, सेकंड का मास गिवन है और आपका उन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बच्चे का आपका आंसर आया हुआ था, तो मैच कर लीजिएगा जिसने भी आंसर इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक। तो इस पे क्या है, देखो आपको एफ फाइंड करना है, एम वन एम टू एंड आर, बट यहाँ पर फोकस करेंगे कि जो एम है, एम वन जो है वो आपका केजी में है, एम टू जो है वो भी केजी में है, बट केजी के साथ आपको डिस्टेंस जो दे रखी है वो किस पे दे रखी है, सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आपकी यूनिट होती है, ठीक है, सिस्टम होते हैं, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, एक होता है एसआई। तो एमकेएस का मतलब, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है केजी एंड एस का मतलब होता है सेकंड। सेम यही सीजीएस में क्या होगा, सी का मतलब आपके पास होता है क्या, सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केजी के साथ पे आपका क्या आता है, मीटर, बट यहाँ केजी के साथ क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो आपको इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट पे आप जानते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर हम कहें एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। क्लियर है। तो आप इसको चेंज करने के लिए देखो, इसको हम दूसरी फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका क्या है 1/ इस 100 को हमने लिख दिया 10^2, हमने पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 2 0 है इसलिए 10^2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, तो ऊपर जाके आपके इसकी किसकी पावर हो जाएगी, -2। मैं बेसिकली पहले आपका कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10^-2 मीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर में 10^-2 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, तो आप जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू, गिवन वैल्यू इसको पुट करते हैं, जी तो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि होती है 6.6 × 10^-11 इंटू एम वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 इंटू एम टू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 अपॉन में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर, बट हम सेंटीमीटर को मीटर में काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-2 मीटर। तो ये कन्वर्टली को टोटल किस में हो गया, मीटर में। तो इसका क्या है, आपका फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेट करना है, 6.6 × 10 देन 15 की मल्टीप्लाई होती है 150, ठीक है, × 10^-11। हाँ, इस पे एक बात पे आप फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म तक जाओ, कि जितना वो सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो। जब आपको लगता है कि हाँ ये सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद कैलकुलेट स्टार्ट करो, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 4 यानी कि 400 इंटू 10^-2 का स्क्वायर कितना होगा, 10^-4। क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 6.6 × 150, ठीक है, × 10^-11 अपॉन 400 को मैंने इसको सेपरेट कर दिया, 4 × 10^2, क्योंकि 2 0 है, ठीक है, पावर्स में सॉल्व करने में इजी पड़ता है, एंड -4 आपके पास पहले से ही था। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 6.6 × 150 × 10^-11 अपॉन में 4 × 10^-2, क्योंकि प्लस का 2 − 2 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व और करेंगे, 6.6 × 150 × 10^-11 देन ये 10^-2 अप में जाकर, न्यूमेरेटर में जाकर 10^ क्या हो जाएगा, 2 एंड अपॉन में कितना है आपके पास, 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये 2 से कट हो रहा है, 2 × 4
एंड टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है। अब इस टू से 150 कट हो रहा है, टू सेवन जा 14, वन कैरी, टू फाइव जा 15, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या आया, 3.3 इंटू 75 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बचेगा आपके पास, 9, क्लियर है। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.3 एंड 75 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंड 4 एंड 7, इट मीन्स 247.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 9। या तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ेंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, इस पॉइंट को आप, मैंने बताया ना कि सिग्निफिकेंस नंबर या साइंटिफिक नंबर में क्या होता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट आता है, तो इस नंबर को जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट में प्लस की पावर बढ़ती है, तो ये आ जाएगा 2.47 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 2, तो ये टोटली आपके पास आंसर आ जाएगा 2.47 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और ये यूनिट क्या हो गए, न्यूटन। हाँ, इस पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो भी आप फाइंड कर रहे हैं उसकी यूनिट आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल को कम्प्लीटली आपका एग्ज़ाम में सॉल्व करके आते हो और आप इसकी यूनिट नहीं लगा के आते हो, तो 2 मार्क्स का अगर आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इससे आगे के न्यूमेरिकल पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।